हाइफा शहर में अब एक ज़हनी माजूर नौजवान को इसराइली पुलिस ने फायरिंग में कर दिया हलाक। चाकू से हमला करने का लगाया इल्ज़ाम। महलूक नौजवान की हिमायत और खाती अफराद के खिलाफ मुकामी लोगों ने निकाली एहतजाजी रैली। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का किया ऐलान। कहा, अगले 10 सालों में इतना पैसा खर्च करेंगे जितना पिछले 300 सालों में कभी नहीं किया होगा। हॉलैंड में बुर्के पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ तुर्क खातून फनकार इसरा मर्सेल का अनोखा एहतजाज। सर्जिकल मास्क का बरालिया नकाब। कहा, अब इस पर पाबंदी लगा कर दिखाओ। मोदी सरकार के दौर में महंगाई दूर हो जाने की भक्तों की गलतफहमी जल्द होगी दूर। 1 अप्रैल से कार, एसी, बाइक्स, हवाई सफर, स्टील और दूध में हो रहा है बेतहाशा इजाफा। एक्टर एजाज खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। एजाज खान ने कहा, एनसीबी को मिली हैं 4 स्लीपिंग टैबलेट जिनका इस्तेमाल करती है उनकी बीवी। और योगी आदित्यनाथ के दौर में उत्तर प्रदेश बन रहा है रेप स्टेट। आगरा में खातून से गैंगरेप करके बनाया गया वीडियो, पुलिस की गिरफ्त से दूर रेपिस्ट के हौसले बुलंद।